हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी में। और जैसे आप सभी को पता है कि हमारी सभी ऑफलाइन सेंटर्स पर यानी कि रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और राजनांदगांव में शुरू हो चुका है इंटीग्रेटेड और प्रीलिम सीजीपीएससी के लिए बैचेस। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनको तैयारी करनी थी सिर्फ और सिर्फ मेन्स की, उनको प्रॉब्लम आ रही थी आंसर राइटिंग में। हमारे पास बहुत सारी ढेर सारी क्वेरीज थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा बैच लॉन्च किया जाए जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेन्स की पढ़ाई करी जाएगी। यानी कि जितने भी आपके 7 पेपर होते हैं उन सभी 7 पेपर को इस प्रकार से आपको तैयार किया जाएगा, इस प्रकार से आपकी तैयारी कराई जाएगी कि एग्जाम के पहले आपके पास पूरा का पूरा मटेरियल और पूरी की पूरी चीजें, पूरा का पूरा कंटेंट आपके पास रेडी हो जाए। और इसके लिए हमारे पास कुछ स्पेशल फीचर्स हैं, कुछ स्पेशल हमारे पास सुविधाएं आपको दी जाएंगी और ये सुविधा आपको मिलने वाली है बिलासपुर ऑफलाइन सेंटर्स पर। इसके बारे में और डिटेल हमारे पास यहां पर मीमांसा मैम हमारे साथ जुड़ी हुई है, तो मीमांसा मैम आपको यहां पर बताने वाली है। मैम, तो आप क्या बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स को कि हमारी ये जो बैचेस है वो कब से हम शुरू करने वाले हैं यहां पर? हेलो एवरीवन, तो 26 अप्रैल से हमारे बिलासपुर सेंटर पर शुरू होने जा रहा है मेंस कोर्स, क्योंकि आपके डिमांड आ रही थी, स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे कमेंट्स में कि मैडम सर कब आप मेंस की बैच लॉन्च करेंगे, क्योंकि जो बच्चे प्रीलिम्स कर चुके हैं, जिनको मेंस से बहुत डिफ़िकल्टी आ रही है, उनको चाहिए मेंस का बैच। तो एक्सक्लूसिवली यहाँ पर 26 अप्रैल से हम लेके आ रहे हैं मेंस का बैच, और आप तैयारी करिए हमारे साथ, हमारी पूरी टीम के साथ। हम सारे के सारे 7 पेपर्स आपको पढ़ाएंगे, साथ में जो बैच है ये आपको ऑफलाइन तो मिलेगा ही, और ये रिकॉर्डेड लेक्चर आपको ऐप पर भी मिलेगा। मतलब सर कि अगर बच्चा किसी दिन मिस कर रहा है क्लास तो फिर वो जाकर ऐप में भी इसको देख सकता है। बिल्कुल, मतलब आपको इस प्रकार से टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि यार इन केस मैं कुछ कारणों से नहीं देख पाया तो मेरी क्लासेस मिस होनी है, इसका टेंशन नहीं है, आप बाद में उसको रिकॉर्डेड भी देख सकते हो। अच्छा मैम, एक और ये चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, जनरली जो बैचेस की टाइमिंग रहती है, बच्चे बोलते हैं कि सर दोपहर वगैरह में सर में हमारी जो बैचेस हैं या मेंस की बैचेस हैं हमको नहीं जमता, तो हमने टाइमिंग ऐसे क्या रखा है स्टूडेंट्स के लिए? क्या हम कुछ ऐसा स्पेशल बेनिफिट दे पाए हैं जिसे सारे बच्चे, अगर कोई वर्किंग भी है और वो चाहता है कि हाँ हमको मेंस की क्लासेस करनी है, तो हमने समय क्या रखा है इसके लिए? सर इसके लिए बैच है जो दो टाइम में इसको लॉन्च कर रहे हैं हम। एक है सुबह 7 से 10 बजे का टाइम, और दूसरा है क्या इवनिंग बैच शाम को 5 से 8। वैसे भी गर्मी है सर, इतनी धूप है, तो बच्चों के लिए क्या सुबह और शाम को 2 बैचेस हैं, आप अपने कंफर्ट के अनुसार जब आपके पास टाइम हो अपनी बैचेस आके अटेंड कर सकते हैं। ओके मैम, एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा यहाँ पर, जैसे बच्चे आते हैं आंसर राइटिंग करते हैं, सारी चीजें वो पढ़ भी रहे हैं, डेडिकेशन से अपना समय भी दे रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट होते जाते हैं या सब्जेक्ट कंप्लीट होते जाता है तो उनको उनके स्वयं के आकलन के लिए टेस्ट की आवश्यकता पड़ती है। क्या हम मतलब यहाँ पर हमारे द्वारा उनको टेस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा? क्या उनकी आंसर राइटिंग चेक करी जाएगी? बिल्कुल सर, हमारा जो मुख्य उद्देश्य है आपको मुख्य परीक्षा में पास कराना, यानी कि आपको मेंस लिखना सिखाना, जिसके लिए कंपलसरी है आंसर राइटिंग। तो आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस तो कराई जाएगी ही क्लास में भी, इसके अलावा टॉपिक कंप्लीट होने पर आपका आंसर राइटिंग का टेस्ट भी होगा, यानी कि आपको मेंस की टेस्ट भी देनी होगी जिससे आप अपने आप को इवैल्यूएशन कर सकते हैं। इसके अलावा कहां पर आपने गलती की है ये आपके एक्सपर्ट, आपके सब्जेक्ट एक्सपर्ट आपको बताएंगे भी। बिल्कुल, इसका मतलब मैम जो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते थे जो लगातार प्रीलिम्स जब पेपर हो जाता था, या फिर यूं कहूं कि मेंस का जब पेपर खत्म हो जाता था, अमूमन बच्चे जब जून जुलाई से शुरुआत करते थे अगले आने वाले वर्ष के लिए, तो सीधे प्रीलिम्स में भिड़ जाते थे। तो हमारा यही मानना है कि वो स्टूडेंट्स या फिर ऐसे छात्र जिन लोगों ने ऑलरेडी पहले कई बार तैयारी करी होंगी, कुछ कारणों से उनका मेंस नहीं निकल रहा होगा, या फिर यूं कहें कि वो वहां पर जाके फंस जाते होंगे, तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होने वाली है। इस बैच को यदि वो ज्वाइन कर लेंगे तो डेफिनेटली उनसे इस बार का जो मेंस है, यानी कि नेक्स्ट ईयर जब भी वो अपीयर होंगे, तो उनका मेंस डेफिनेटली क्रैक होने वाला है। बिल्कुल सर, ये जो पूरा का पूरा हमारा बैच है इसका ड्यूरेशन 10 महीने का है, मतलब इस 10 महीने के दौरान आपको पूरे पूरे 7 पेपर्स की तैयारी कराई जाएगी, क्योंकि कोई एग्जाम अभी आ भी नहीं रहा है। मतलब आपके पास बेहतर अपॉर्चुनिटी है कि आप इसमें अपने मेंस की तैयारी कर सकते हैं, फिर जब नेक्स्ट प्रीलिम्स होगा तो आप अगले मेंस के लिए बिल्कुल तैयार होंगे, तब आप क्या कर सकते हैं रिविजन और फर्स्ट टाइम पे ही मेंस को क्रैक कर सकते हैं। एग्जैक्टली, मतलब हम जो मान के चलते हैं कि किसी कारणवश यदि हमने प्रीलिम्स की तैयारी बहुत अच्छे से कर ली और हमारे पास मेंस के लिए ना ही कंटेंट था ना ही मटेरियल था और ना ही हमारी उस लेवल की तैयारी थी कि हम उस 3 महीने में कर सके, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होने वाला है उन विद्यार्थियों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो चाहते हैं कि वो मेंस क्लियर कर सके। मैम, इसके बारे में और कुछ सुविधा या कुछ और अन्य जो फीचर्स जो बच्चों को बताना चाहेंगे हम? बिल्कुल सर, प्रॉपर नोट्स मिलेंगे आपको, टाइम पे आपका टेस्ट होगा, इसके अलावा 10 मंथ का ड्यूरेशन है, सारा जो सब्जेक्ट है आपका पूरा कंप्लीट होगा। आपको प्रॉपर टेस्ट भी होंगे, नोट्स भी आपको मिलेंगे और चेक भी होंगे नोट्स। मतलब
एक बच्चे को एग्जाम की तैयारी करने के लिए चाहिए प्रॉपर गाइडेंस, और आपको यहाँ पर हर तरह से गाइडेंस मिलेगा। लिखें कैसे, राइटिंग स्किल कैसे सुधारें, किसको कहाँ तक पढ़ना है, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। मतलब आपको सारी चीज़ें जो आपको मेंस क्रैक करने के लिए चाहिए वो यहाँ पर मिलेगा, वो यहाँ पर मिलने वाला है। और अधिक जानकारी लिए आप हमारे जो दिए गए जो नंबर है यहाँ पर 7747909111 जो कि फ्लैश व्यूअर स्क्रीन पर, आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं और हमारे जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनसे आप बात कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के डाउट रहने पर आप बिल्कुल उनसे क्लियर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी विद्यार्थी जो है इस बैच का हिस्सा जरूर बनना चाहेंगे और हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे, हमारे इस ऑफलाइन प्रोग्राम का हिस्सा बने और रजिस्ट्रेशन कराइए। आइए जुड़िए हमारे साथ। स्टार्टिंग हो रहा है हमारा जो बैच है 26th of April 2023 से। थैंक यू सो मच। जय हिंद।